प्रदेश में चुनावी दौर के पहले कांग्रेस लोगों में जागरूकता लाने के प्रयासों में जुटी है। इसी बीच खरगोन सुबीसी अस्पताल परिसर में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। भाजपा की पोल उजागर करके केंद्र सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी कुलदीप सिंह इंदौरा, जिला कांग्रेस प्रभारी जयसिंह ठाकुर ने खरगोन सुबीसी अस्पताल परिसर में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने जन विरोधी नीतियों के विरोध में मोर्चा खोला और भाजपा पर जमकर तीखे प्रहार किए। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी, जिसके विरोध में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच कांग्रेस की माने तो उनकी पार्टी धर्म निरपेक्षता की राजनीति कर रही है, जबकि भाजपा लोकतंत्र की हत्या का एक भी मौका नहीं छोड़ रही, और यही बात आम जन तक पहुँचाने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। अगर सच्ची बात कहने से अगर उनको जेल में डाला, आप भी देख रहे हो कि जो जो भी मोदी और शाह के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के शासन के खिलाफ आवाज उठाता है उसके पीछे ईडी लगा दिया जाता है, उसके पीछे सीबीआई लगा दिया जाता है, उसके पीछे इनकम टैक्स लगा दिया जाता है, जो भी संस्थाएं हैं वो सारी जो इस तरह की संस्थाएं हैं उनको पीछे लगा दिया जाता है। हम तो जनता के बीच में जही रहे, हमने बंद करा है, हमने देवास में हमने बंद करा, हम पूरे प्रदेश में या हमारे प्रदर्शन हो रहे हैं, जनता के बीच में आए। हम जनता को ये देखना है कि इस देश को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जिस तरह से ढाया जा रहा है, खरीद फरोख्त की जा रही, देख ही रहे हो जो लोकतांत्रिक तरीके जो सरकारें बन रही है उनको खरीद तंत्र बना दिया लोकतंत्र को उन्होंने। आपने पूरा ही देखा होगा नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों में, चाहे अरुणाचल हो, चाहे नागालैंड हो, मेघालय हो, ये जितने भी प्रदेश हैं, आपने कर्नाटक में खेल देखा, मध्य प्रदेश में खेल देखा, गोवा में खेल देखा, आप देख ही रहो इस ढंग से तो लोकतंत्र अपना खतरे में। हम क्या गलत बोल रहे हैं? भारत की राजनीति में राहुल गांधी के ऊपर एक मानहानि के केस में सजा सुना के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है, क्या इसको? पूरे देश में हम आंदोलन कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में आए हैं, अभी हमने सारी बात आपके पत्रकार बंधुओं से, आपके साथियों के साथ हमने करी है। निश्चित रूप से आप लोगों ने पूरा घटनाक्रम देखा है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। हम लोग इस बात को लेकर हम जनता के बीच में हैं और हमें आप लोगों का साथ चाहिए, यही हमारा आपसे निवेदन है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व का चेहरे में धर्मवाद सम्मेलन कर रही है। नहीं, कांग्रेस शुरू से ही धर्म के आधारित ही, मतलब ऐसा धर्म नहीं, हमारा सर्वधर्म संभाव के आधारित ही हम राजनीति करते हैं। महात्मा गांधी ने भी जो राम राज्य की बात करी थी, महात्मा गांधी का उनकी भजन में वो जो राम के भजन गाते थे, तो कांग्रेस शुरू से, लेकिन राम भगवान हमेशा संवेदनशील भगवान रहे हैं, उन्होंने उनके राजकाज में उन्होंने सब लोगों को, चाहे गरीब से गरीब आदमी भी हो, कोई अमीर हो, सबको साथ लेके चले, वही कांग्रेस पार्टी की परंपरा है और हम जो धर्म यही कहता है कि सबको साथ लेके चलने। राहुल गांधी के फैसले पे बीजेपी वार कर रही है कि तो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के खिलाफ जा रही है, तो हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं ना। कोर्ट का कभी ऐसा फैसला आया क्या कि मानहानि के प्रकरण में पूरी सजा मिल जाए? पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में आया है। ईडी सीबीआई को लेकर देख ही रहा, तो छुपाया ही नहीं, जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है ईडी सीबीआई आ जाती है। आपको अदालत में जाने की तैयारी राहुल गांधी जी का, क्या कह रहे हैं? सम्मानित साथियों, जैसा कि आपका प्रश्न है, निश्चित रूप से राहुल जी ने संसद में जो प्रश्न उठाए थे, पहला उनका प्रश्न था 20,000 करोड़ जो अडानी की जो सेल कंपनियों में जो पैसा आया है वो कहाँ से आया, खास करके जो रक्षा सौदे हुए हैं और इन कंपनियों में एक चीनी नागरिक भी था, पहला उनका ये प्रश्न था। दूसरा उनका प्रश्न था कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय जब भी विदेश दौरे पे जाते, चाहे ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या बांग्लादेश, अडानी उनके साथ जाता है और ये सारी तस्वीरें हमारे संसद में राहुल जी ने रखी। ऑस्ट्रेलिया में जैसा कि मीडिया में भी आया था कि उनके कोयला खदानों से करार होते हैं, हजारों करोड़ के ऋण हमारी एसबीआई देती है। ये सारे प्रश्न जब राहुल जी ने संसद में खड़े करे, तो पिछली बार वो जब
कर्नाटक में उन्होंने एक आम सभा को संबोधित किया था, उस समय उन्होंने किसी जाति विशेष का नाम नहीं लिया था, सिर्फ उन्होंने ये प्रश्न करा था कि नीरव मोदी और ललित मोदी ये जो हिंदुस्तान से जो पैसा लेके भागे हैं करोड़ों अरबों रुपया, इनका सरनेम मोदी क्यों है, एक छोटा सा प्रश्न उनका था। उस पर उनका वहाँ के विधायक ने उन पर मानहानि का पत्र लगाया था गुजरात में, लेकिन वो सन 19 में लगाया था, उसके बाद उन्होंने 20 में जाकर उसको उच्च न्यायालय में बोला कि हमको मेरे को नहीं चलाना। लेकिन जैसे ही प्रश्न करते हैं राहुल जी, उसके बाद में अच्छा वो फिर से केस उछल जाता है और मानहानि के प्रकरण में जो मैक्सिमम सजा आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुई, 2 साल, क्योंकि 2 साल इसलिए कि 2 साल में जो कानून अपना है कहता है कि 2 साल की सजा होगी तो आपको सदस्य लोकसभा या विधायक की वो समाप्त हो जाती स्वतः, तो उसको दो पूर्ण जो पूरी सजा होती है 2 साल आखिरी सजा वो सजा दिलवाई, ये हमारा प्रश्न है। और हम कानूनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, हमारे वकील काम कर रहे हैं, लेकिन हम जनता के बीच में आए हैं, आप लोगों के हमारी खासकर विजय साहब दूसरा स्तंभ है कि आप हमारी बात को जनता तक पहुँचाएँ, यही हमारा RSS को गौरव कहे जाने के जनता पार्टी फिर मानहानि केस लगाने की तैयारी में है राहुल गांधी का। निश्चित रूप से आप देख रहे हो कि जिस तरह से RSS का सत्ता में दखल है आपको छुपा नहीं, RSS जिस तरह से देश की हमारी जो एक गंगा जमनी तहजीब है, आज हमारा लोकतांत्रिक देश है, जब संविधान बना तो सभी धर्मों का समान हम आदर करते हैं, लेकिन RSS और खास करके उसके जो तो जो अनुशासन संगठन है, जो नीचे के संगठन है, उनके किस तरह से इस देश में सांप्रदायिक का माहौल फैला रहे हैं आप लोगों को छुपा नहीं, चाहे बजरंग दल हो या दूसरे जो भी अदर दल हो, तो अगर उनको अगर गौरव कह दिया तो कोई उसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो हिंदुस्तान में गौरव भी तो अपने भारतीय नागरिक थे, तो ऐसा कुछ नहीं, गौरव कोई बहुत बुरे लोग तो थे नहीं, अगर बोल दिया तो इसमें मानहानि क्या होती है, तो मानहानि बनती नहीं मेरे हिसाब से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।